अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार मटन जर्सी कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनती है। ये तो बहुत ही कम मसालों से बनने वाली मज़ेदार सी कढ़ाई आज मैं आपसे शेयर करूँगी। ये मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाई थी और मुझे बहुत ही पसंद आई, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई, बहुत मज़े की थी। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैंने एक कप ऑयल डाल दिया है। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। इसमें मैंने 1 किलो मटन लिया है। मटन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था। अब मैं इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ, ऑयल में डालेंगे हम इसको मटन को और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। तो हमने मटन को कढ़ाई में डालने के बाद ऑयल में इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। और मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून नमक। इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। आप चाहें तो मटन में पहले से भी नमक लगा के रख सकते हैं, नमक लगा के रख दें और बाद में इसको ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो मैं मटन को फ्राई कर रही हूं और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। नमक के साथ मैं इसको फ्राई कर रही थी, देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी, क्योंकि मेरे पास 1 किलो मटन है तो इसलिए मैं लहसुन अदरक भी ज़्यादा डाल रही हूँ इसमें। और अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ भी मैं इसको फ्राई करूँगी। आप देख सकते हैं कि अभी मटन ने अपना पानी छोड़ दिया है और नमक के साथ भी मैं इसको फ्राई कर रही थी, तो पानी इसका रिलीज़ हुआ है मटन का। अब हम इसमें लहसुन अदरक के साथ इसको इतना भूनेंगे कि इसका पानी देखें बिल्कुल ड्राई कर दिया है मैंने। तो गोश्त का पानी बिल्कुल ड्राई कर देना है आपने, अच्छी तरह से भून लेना है इसको। और मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। अब भूनने के बाद जब इसका ऑयल सेपरेट हो गया तो अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। और 2 गिलास पानी डाल के इसको हम इतना पकाएंगे ढककर। अब इसको हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। मैं इसको कवर कर रही हूँ और तकरीबन 20 से 25 मिनट जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। तो तकरीबन मैंने 25 मिनट बाद खोला है तो पानी भी इसका ड्राई हो गया है और गोश्त भी हमारा गल चुका है। मैंने गोश्त चेक कर लिया था कि गोश्त गल गया है। जब गोश्त गल जाएगा तब हम इसमें 8 से 9 टमाटर शामिल करेंगे। मेरे पास मीडियम साइज़ के बड़े, देखें आप, गोल वाले टमाटर थे, तो आप लंबे वाले गोल वाले जो आपके पास अवेलेबल हो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन टमाटर थोड़े रेड और अच्छे फ्रेश होने चाहिए। और मैंने आधे आधे काट के इसमें टमाटर रख दिए थे और इस पर कट भी लगा दिया था। और इसको मैंने ढककर पकाया था तकरीबन 10 मिनट के लिए, मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया था। और ये टमाटर के देखें छिलके अलग हो गए थे तो मैंने इनको रिमूव कर दिया है। तो टमाटर की जो स्किन है उसको हम रिमूव कर देंगे और टमाटर को हम इसको अच्छी तरह से इसी में मैश करेंगे। टमाटर से ही इसकी ग्रेवी बनेगी। ग्रेवी तो इसमें ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये भुनी हुई कढ़ाई होती है, लेकिन जो भी इसकी ग्रेवी होगी वो टमाटर से ही बनेगी। इसमें और मसाले हम इसमें शामिल नहीं करते। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार जर्सी कढ़ाई है। आपको इसका नाम कुछ अजीब सा लग रहा होगा लेकिन ये पेशावर के मशहूर रेस्टोरेंट की, जहाँ पे जर्सी टिक्के बहुत मशहूर हैं, वहाँ की जर्सी कढ़ाई भी बहुत मशहूर है। तो ये पेशावर के रेस्टोरेंट की मशहूर कढ़ाई है जर्सी, जो कि सब लोग बनाते हैं, काफ़ी फेमस है। अब मैं इसमें तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें शामिल करूँगी, जिसको मैंने बीच से कट लगा लिया है हरी मिर्चों को। तो आप मोटी वाली हरी मिर्च डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी पतली वाली लंबी हरी मिर्च यूज़ की थी जिसको लंबाई में काट कर मैंने इस्तेमाल किया है। तो मिर्चें भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप इस्तेमाल करें, जितनी आप मिर्चें मतलब खाते हैं, जितना भी यूज़ करते हैं। तो मैंने तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें काट के डाल दी थी और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें बिल्कुल ताज़ा पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था। बस इसमें यही इंग्रेडिएंट जाते हैं और कुछ नहीं जाता। आप देख सकते हैं कितने बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में हमने बनाई है बहुत मज़ेदार कढ़ाई। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे इतना पकाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना पकाया है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, क्योंकि टमाटर के पानी को हमने पका कर खुश किया है। लेकिन आपने इसमें वक्फे से कंटिन्यूसली चमचा चलाते रहना है ताकि कढ़ाई नीचे ना लग जाए। तो इसको हम चलाते रहेंगे और हमारी मज़ेदार सी ये कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। हमने इसको इतना पकाया कि इसका ऑयल सेपरेट हो गया है और ये देखें हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी हो गई है। इसको सिर्फ मैं जूलियन अदरक से जो है वो गार्निश करूँगी और ये कढ़ाई हमारी रेडी है। और आप यकीन करें इतने कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बन के रेडी हुई थी। घर वालों को ये इतनी पसंद आई थी, मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाई थी और इतनी पसंद आई थी कि ये एक ही टाइम में हमारी कढ़ाई पूरी फिनिश हो गई थी। तो ये मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ईद उल अज़हा पर बनाइएगा, ईद उल अज़हा की दावतों में बनाइएगा। दावत स्पेशल रेसिपी है ये और बहुत ही ईजी बन जाने वाली रेसिपी है। इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट और यूनिक है। तो
मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।